Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। आज हम परसेंटेज का और एक नया टाइप पढ़ेंगे जिसमें परसेंटेज से मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मिक्सर से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको परसेंटेज में पीछे बहुत सारे टाइप करा चुका हूं प्यारे विद्यार्थी, उन पर प्रैक्टिस करते रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्योंकि अब जब ये सारे टाइप परसेंटेज के खत्म हो जाएंगे, एक एक करके मैं सारे टाइप जब आपको करा दूंगा तो उसके बाद में आपके लिए परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, जिसमें परसेंटेज के सारे टफ से टफ क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसलिए आप जो है अभी जो मैं टाइप कराऊं केवल इन पर आधारित प्रैक्टिस करते रहिए। परसेंटेज में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो टाइप अभी मैंने ना कराया हो। जब मैं परसेंटेज के सारे टाइप खत्म करा दूंगा उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके अलावा आप किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी मैथ खरीद के उसमें से प्रैक्टिस लगा सकते हैं, उसमें से डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए पूरा शेड्यूल आपका तैयार हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पीछे परसेंटेज के बहुत सारे टाइप करा चुका हूं, आज एक नए टाइप के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इसमें हम आज परसेंट का एक और नया टाइप पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, रेगुलर आने वाला टाइप नहीं है। टाइप कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे पीछे मैंने आपको एक कराया था, उसमें कहा था ये रेगुलर नहीं आता, ऐसे ये भी रेगुलर आने वाला नहीं है, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे हम इन क्वेश्चनों को मिक्सर एलिगेशन में भी पढ़ सकते हैं और दोबारा से वहां पढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज में भी थोड़ा सा इनको देख लेते हैं जो प्रसत में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं मिक्सर और उससे रिलेटेड। तो देखो आज का कंसेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन पहले मैं बाद में कराऊंगा, पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट करा देता हूं। पहले आप उस कंसेप्ट को समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का कंसेप्ट किस प्रकार से आएगा जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो कंसेप्ट समझेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे भाई, बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे तुम आज की क्लास का, तो देखो बिल्कुल धीरे धीरे बारीकियां उसको लेके चलेंगे हम, बिल्कुल आराम आराम से लेके चलेंगे। तो देखो कंसेप्ट में क्या है कि देखो कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको पहले जनरली समझा देता हूं, ताजे फल से और सूखे फल से रिलेटेड। जैसे अंगूर है, अंगूर को सुखा दें हम तो वो किशमिश बन जाती है, ऐसे ही बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, जैसे नारियल को सुखा दिया जाता है तो वो सूखा फल बन जाता है, ऐसे ही एक होता है आपका ताजा फल और जब हम उसको धूप में सुखा दें तो वो बन जाता है सूखा फल, जिसको कह सकते हैं फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट का मतलब ताजा फल और ड्राई फ्रूट का मतलब जो है सूखा फल। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों में कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे बस एक लाइन में। इन क्वेश्चनों में कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान के चलो अंगूर है और किशमिश है, तो अंगूर को अगर हम सुखा के किशमिश बनाएंगे तो सूखने से क्या होता है, सूखने से किसी भी चीज में से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब पानी को सोख लिया जाता है। अगर हम किसी भी चीज को धूप में सुखाएंगे तो धूप क्या करती है, उसमें से पानी को सोख लेती है, मतलब पानी निकाल लेती है। तो अंगूर में से जब हम उसको सुखाएंगे तो पानी निकल जाएगा, बाकी का जो आपका गूदा है वो सेम का सेम रहेगा। तो यहां पर दो तरह के फ्रूट होंगे आपके, इस प्रकार के क्वेश्चनों में दो तरह के फ्रूट होंगे, एक आपका फ्रेश फ्रूट होगा, कोई भी फ्रूट जब जो है ताजी पेड़ से टूट कर आता है उसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट, और फिर उसको जब सुखा दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ताजे फल से मतलब फ्रेश फ्रूट से और ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जाता है। फ्रेश फ्रूट का मतलब क्या है, फ्रेश फ्रूट का मतलब है ताजा फल और ड्राई फ्रूट का मतलब है सूखा फल, इतना तो आप, ड्राई का मतलब सूखा, फ्रूट का मतलब फल। तो सूखा फल और ताजा फल मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बहुत
कुछ नहीं है। ये क्या मैं इंग्लिश का मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट अमेरिकन बोल रहा हूँ क्या? बहुत आसान सी चीजें हैं। फ्रेश का मतलब नहीं जानते क्या होता है? फ्रेश का मतलब ताजा, फ्रूट का मतलब फल, ऐसे ड्राई का मतलब सूखा, फ्रूट का मतलब फल। तो सभी विद्यार्थी इतना थोड़ी बहुत तो भाई इंग्लिश आनी चाहिए। कंपटीशन में घुस रहे हो आप, तो आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, बैंकिंग की, और इंग्लिश इतनी नहीं आती कि फ्रेश को क्या कहते हैं, ड्राई को क्या कहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए सारी सब्जेक्टों को साथ में लेके चले भाई। सीजीएल वालों का प्री का रिजल्ट आ गया है, तो वो अपना रिजल्ट देख लें, चेक कर लें, और जो भी सफल हुए उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो असफल हुए वो बेटा चिंता ना करें, नेक्स्ट के लिए ट्राई करें। जो हो गया उसको भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ भी, बस आगे के लिए अटेम्प्ट के लिए तैयारी करते रहो, आसान होगा आपके लिए। तो देखो, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट इन दोनों को समझेंगे। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का मतलब क्या है कि कोई भी फल ताजा है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, और कोई फल सूखा है तो उसमें बस पानी सूख जाएगा, बाकी चीज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेश फ्रूट में दो चीजें होती हैं, फ्रेश फ्रूट में दो चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो होगा आपका पल्प, पल्प का मतलब गूदा, और एक होगा आपका वाटर, वाटर का मतलब पानी, वाटर होगा उसमें और पल्प होगा। पल्प का मतलब होता है गूदा, वाटर का मतलब होता है पानी। तो फल में पानी को छोड़कर जो कुछ भी बीज और जो कुछ भी होता है वो सब पल्प होता है। तो फ्रेश फ्रूट में ये दो चीजें होंगी, ड्राई फ्रूट में भी ये दो चीजें होंगी, पल्प भी होगा, थोड़ा बहुत वाटर भी होगा। भाई कितना भी सुखा लो थोड़ा बहुत तो रह जाएगा, चाहे वो 0.01% क्यों ना रह जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, और पल्प रहता है। ये दोनों चीजें रहती हैं, पल्प और वाटर रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रेश फ्रूट में भी दो चीजें हैं, पल्प फ्रूट में भी, ड्राई फ्रूट में भी दो चीजें हैं, और फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी ताजे फल को सुखाते हैं तो केवल वाटर एब्जॉर्ब होता है, मतलब वाटर की मात्रा में परिवर्तन आता है, मात्र वाटर एब्जॉर्ब होता है, उसके अलावा इस पल्प की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि जब फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, पानी की मात्रा तो चेंज हो जाएगी, पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, लेकिन लेकिन पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। बस यही कंसेप्ट समझने वाला है, और इसी कंसेप्ट से ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो इसमें क्यों परिवर्तन क्यों आ रहा है? क्योंकि पानी, जैसे जैसे मान के चलो, अब ले लेते हैं नंबर में एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कोई फ्रेश फ्रूट है 80 किलोग्राम, ठीक है, 80 किलोग्राम में मान के चलो 10 किलोग्राम पानी है, मान के चलो 10 किलोग्राम पानी है, तो पल्प कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 80 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम को घटा दो तो बाकी का 70 किलोग्राम पल्प हो जाएगा। तो आपने कैसे निकाला कि टोटल मात्रा में से पानी को घटा दिया तो पल्प की मात्रा आ गई कि नहीं आ गई? तो 70 किलोग्राम आ गई। ऐसे ही इधर वाले में देखेंगे, ड्राई फ्रूट में मान के चलो ड्राई फ्रूट जो है मान के चलो वो 30 किलोग्राम है, और 30 किलोग्राम में मैं कहूं कि पानी जो है वो 5 किलोग्राम है, तो आप मुझे पल्प बता सकते हैं? 30 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम को घटा देंगे तो गूदा कितना हो जाएगा भाई? 25 किलोग्राम। पल्प कितना हो जाएगा? 25 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहां से एक बात और समझ में आई कि फ्रेश फ्रूट की टोटल मात्रा बराबर होती है, पल्प कितना है प्लस वाटर कितना है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है फ्रेश फ्रूट की टोटल मात्रा, ऐसी ड्राई फ्रूट की टोटल मात्रा इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है। और हमें एक कंसेप्ट क्या समझ में आ गया कि जब फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाया जाएगा तो उस केस में पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन पानी की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, पानी की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं। आप सोचें, आप ये सोचें सर ये 5 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, ये 70 और ये 25, ये तो मैंने बस आपको अलग अलग दोनों चीजें समझा कर दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 80 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम तो पल्प तो सर समान रहना चाहिए, वो वाली चीज नहीं है बेटा। ये मैंने 80 किलोग्राम तो केवल इस फ्रेश फ्रूट का एक व्याख्या दी है आपको, और जो 30 किलोग्राम है ये ओनली ड्राई फ्रूट की एक व्याख्या दी है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अभी फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बना के नहीं दिखाया है, एक ड्राई फ्रूट का एग्जांपल दिया है और एक फ्रेश फ्रूट का एग्जांपल दिया है कि 80 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में पल्प इतना है, वाटर इतना है, ऐसे यहां पर ये 30 किलोग्राम है, इतना इतना होगा, ठीक है। अब हम फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बनाएंगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, चेंज लिखा है, चेंज का मतलब परिवर्तन, और पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है और ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है, ये दोनों मात्राएं आपस में समान रहती हैं।
इसी चीज को अगर आप परसेंटेज में देखोगे, इसी चीज को आप परसेंटेज में देखोगे तो मान के चलो फ्रेश फ्रूट है। अब मैं लिख देता हूँ फ्रेश फ्रूट है, कोई फ्रेश फ्रूट है और उससे कोई ड्राई फ्रूट बनाया जा रहा है, ड्राई फ्रूट है मान के चलो, तो फ्रेश फ्रूट को अपने आप में फ्रेश फ्रूट भी 100% मात्रा रहेगी टोटल, ऐसे ही अपने आप में ड्राई फ्रूट भी 100% मात्रा रहेगी टोटल। अब मैं मान के चलो आपसे कह दूं कि भाई इसमें बताइए जो पल्प है वो 40% है, मैंने ये कह दिया पल्प 40% है, तो इसमें आप पानी की मात्रा अपने आप निकाल सकते हैं, पानी की मात्रा अपने आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान के चलो इसमें मैंने कह दिया कि वाटर जो है ड्राई फ्रूट में वो 10% है, तो इसमें आप पल्प की मात्रा फिर देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? जैसे मान के चलो उसने कहा कि फ्रेश फ्रूट में 40, तो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट 100% में अगर पल्प 40% है तो यहाँ से हम पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ड्राई फ्रूट में 100% में 10% पानी है तो यहाँ पर हम पल्प की मात्रा निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेश फ्रूट 100% है, उसमें पल्प 40% है, तो पानी की मात्रा निकालने के लिए हम 100% में से पल्प की मात्रा को घटा देंगे तो बाकी पानी आ जाएगा, तो पानी की मात्रा आ जाएगी यहाँ से 60%। ऐसे यहाँ पर मान के चलो हमें उसने कहा कि ड्राई फ्रूट में 10% पानी है, तो अगर 10% पानी है और हमें पल्प की मात्रा निकालनी है तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो पल्प की मात्रा आ जाएगी 90%। तो ये वाले जो 90%, 10% और 100% ये वाली जो चीजें हैं, तो मैंने आपको बताया था कि संसार में कोई भी चीज 100% होती है, तो ऐसे फ्रेश फ्रूट की मात्रा भी अपने आप में 100% होगी और ड्राई फ्रूट की मात्रा भी अपने आप में 100% होगी। फिर उसमें पल्प कितना है और वाटर कितना है उसका परसेंटेज अलग से निकाल लेंगे, ऐसे यहां पर पल्प कितना है वाटर कितना है यहां से अलग से निकाल लेंगे। ये चीजें जो है बहुत बेसिक चीजें समझा के चल रहा हूं आपको मैं, ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। ये एक तो हम इस चीज का यूज करेंगे कि जैसे हमें पल्प का परसेंट दिया है उसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो 100 में से घटा के कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पानी दिया है 60% फ्रेश फ्रूट में, तो आप समझ आपके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि पानी 60% है तो इसको 100% में से अगर घटाएं तो बाकी का 40% जो है वो क्या होगा पल्प होगा। ऐसे यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मान के चलो हमें 90% पल्प दिया है तो आपको इसको समझ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 90% पल्प है तो 100 में से अगर 90 को घटा दें तो 10% पानी होगा। इसी चीज को अगर हम रेशियो में देखें तो जैसे मान के चलो किसी फ्रूट में पल्प और वाटर का जो रेशियो है मान के चलो वो 3:1 है, 3:1 है, तो ये वाटर हो गया, ये पल्प हो गया, टोटल फल कितना हो गया 3 और 1 4। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि इसमें पानी कितना परसेंट है, वाटर परसेंट निकालेंगे तो देखेंगे वाटर की मात्रा कितनी है, तो वाटर की मात्रा 1 है और कुल फल की मात्रा कितनी है 4 × 100, तो इसमें वाटर का परसेंट हो जाएगा भाई 25%। ऐसे ही मान के चलो इसमें हमें निकालनी है पल्प की मात्रा क्या होगी, तो पल्प का परसेंट निकालेंगे तो वो निकालेंगे 3 × 4 × 100, तो 75%। तो आप यहां से देखिए 25% 75% और टोटल कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर 100%। अब मान के चलो इन दोनों में से कोई 1% हमको दिया होता, दूसरा पूछा होता, तो हम सीधा 100 में से उसको घटा के दूसरे का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर ये चीजें तो हैं सिंपल, मैंने आपको समझाई। उसके अलावा जो बेस्ट चीज है, सबसे अच्छी चीज जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो समझने वाली ये बात ये है कि जब कभी भी किसी ताजे फल से सूखा फल बनाया जाता है तो पानी की मात्रा तो परिवर्तित हो जाती है क्योंकि पानी उसमें से उड़ जाएगा, लेकिन पल्प की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, पल्प की मात्रा जो है वो समान रहती है। बस ये आप याद रखें, बाकी का क्वेश्चनों से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बाकी चीजें क्वेश्चनों से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बात? तो जो मैंने आपको समझाया है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, फ्रेश फ्रूट क्या होता है, ड्राई फ्रूट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, दो चीजें होती हैं गूदा और पानी, पल्प और वाटर। उसके बाद एक की मात्रा दी है हमें तो दूसरे की 100 में से घटा कर निकाल लेते हैं, मैंने ये बात आपको समझाई। उसके अलावा रेशियो दिया है तो रेशियो से परसेंटेज कैसे बनाएंगे ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। अभी आगे चलें, तो यहां से आगे चलते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सारी चीजों को भाई पढ़ते चलें, समझते चलें। तो देखो इसी कंसेप्ट पर आधारित आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, आपको दिख गया होगा, पढ़ेंगे इसको, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको समझाया इसी पर आधारित है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैंने आपको पहले दिन ये बता दिया कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहले आपको सारी चीजें समझाऊंगा कंसेप्ट में, फिर उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट क्या होता है, इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें, तो अब जो है हम इन पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा तो देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसने कहा है कि ताजे फल में 80% पानी है, पढ़ेंगे ध्यान से,
ताजे फल में 80% पानी है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर, और सूखे फल में 20% पानी है। दोनों फलों में पानी का परसेंटेज दिया है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है ताजे फल में जो है 80% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम जो है सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देखो ऑब्वियस सी बात है कि ताजे फल से हमेशा सूखा फल ही बनाया जाता है, कभी सूखे फल से ताजी फल नहीं बनाया जाता। और ताजे फल से सूखा फल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसको हम सुखा देते हैं तो वो सूखा बन जाता है, और सूखने पर मैंने बताया केवल पानी की मात्रा उड़ती है, पल्प कर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसने कहा है कि ताजा फल है, उसने दिया, पहले मैं पहला क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल धीरे धीरे, फिर आपको एग्जाम की अप्रोच बता दूंगा, और फिर बाद के जो क्वेश्चन है उनको केवल एग्जाम की अप्रोच से ही कराऊंगा। पहले वाले क्वेश्चन को मैं बस आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा दूंगा। तो देखो फ्रेश फ्रूट है, इस क्वेश्चन में फ्रेश फ्रूट है, और फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा रहा है, फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा रहा है। तो उसने कहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। फ्रेश फ्रूट में उसने कहा है 80% पानी है, मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं इसको डिटेल में। तो इसमें पानी की मात्रा दी है भाई, पानी की मात्रा दिया उसने कि इसमें 80% पानी है। फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे फल में भी पानी की मात्रा दी है, तो सूखे फल में पानी की मात्रा दी है 20%, सूखे फल में 20% पानी है। तो यहां पर मैंने बताया था कि फल में दो तरह की चीजें होती हैं, पल्प और वाटर। पी डिनोट कर रहा है पल्प को, गूदे को, वाटर डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू जो है पानी को डिनोट कर रहा है। तो ये चीज दी है, उसके अलावा क्या दिया है, उसके अलावा दिया है कि जो सूखा फल है उसकी मात्रा भाई 100 kg है। एक ये चीज और दी है इसके अलावा ये चीज दी है कि जो सूखा फल नहीं, जो ताजा फल है उसकी मात्रा 100 किलोग्राम है, इसकी मात्रा दी। ये तीन चीजें क्वेश्चन में दी हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है आपको, अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजे फल में 80% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो अब क्वेश्चन का देखेंगे भाई सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो देखो मैंने आपको भी पीछे समझाया था कि जब कभी भी सूखे ताजे फल से सूखा फल प्राप्त किया जाता है तो पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, लेकिन पल्प की मात्रा में मतलब गूदे की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ताजे फल में पल्प कितना है और सूखे फल में पल्प कितना है, अगर इन दोनों चीजों को बराबर रख दिया जाए तो बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, क्योंकि पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताइए कि अगर ताजे फल में 80% पानी है तो क्या आप मुझे पल्प की मात्रा नहीं बता सकते, पल्प कितना परसेंट होगा। तो पल्प की मात्रा आप कहेंगे सर 80 में से 100 में से 80% को घटा दो, पल्प की मात्रा आ जाएगी 20%, अभी पीछे मैंने समझाया है। ऐसे यहां पर वाटर की मात्रा जो है 20% है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप ये नहीं बता सकते कि पल्प कितना होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं 100 में से 20 को घटा देंगे तो पल्प की मात्रा हो जाएगी 80%। ठीक है, 80% 20% 100% हो गया, 80% 20% 100% हो गया, ये चीज एक तो आ गई। उसके बाद हमें ये चीज पता है कि जब कभी भी ताजे फल से सूखा फल बनाया जाता है तो पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आता है, लेकिन पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा को अगर मैं ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा के बराबर रख दूं तो दोनों चीजों को बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, ये बताइए। जब दोनों चीजें बराबर हैं तो रख सकता हूं, तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी है भाई, तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा दी है उसने 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में 20% पल्प है। हमेशा देखो मैंने इसको 100 में से घटाकर पल्प की मात्रा क्यों निकाली है, पहली बात ये है। आप ये भी तो कह सकते हैं सर आपने पल्प की मात्रा निकाली क्यों है, पानी की मात्रा पर ही कैलकुलेट क्यों नहीं किया। पानी की मात्रा पर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि पानी की मात्रा में परिवर्तन आता है, हमेशा कैलकुलेट करेंगे पल्प की मात्रा पर, गूदे की मात्रा पर। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जितना
पल्प इस फ्रूट में होगा उतना ही पल्प उसी फ्रूट में होगा, तभी तो दोनों चीजों को बराबर रख सकते हैं। लेकिन पानी की मात्राएं अलग अलग होंगी तो इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते, इसलिए कैलकुलेशन हमेशा पल्प का करनी है। तो ताजे फल में पल्प कितना है ये निकालना है, तो ताजे फल में पल्प कितना होगा, 100 किलोग्राम ताजे फल है 20% पल्प है, तो 100 का 20% ही तो होगा, तो 100 मल्टीप्लाई 20% का मान बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि पल्प की मात्रा समान रहती है। ड्राई फ्रूट की मात्रा हमें निकालनी है कितने किलोग्राम होगा, तो ड्राई फ्रूट की मात्रा को आप कुछ भी मान लो, मान के चलो ड्राई फ्रूट की मात्रा अगर मैं एक्स मान लूं तो उसमें पल्प कितना होगा भाई, उसका 80% होगा, यही होगा। उसके बाद काटा पीटी मचा देते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, तो 4x का मान बराबर आ गया। 100 किलोग्राम के यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 बटे में चला जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 25 किलोग्राम। इसका मतलब भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जो x का मान है वो 25 किलोग्राम, x क्या माना है मैंने, ड्राई फ्रूट की मात्रा। इसका मतलब 100 किलोग्राम ताजे फल से 25 किलोग्राम ताजा सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या करना है, ताजे फल में पल्प की मात्रा को सूखे फल में पल्प की मात्रा के बराबर रखना है। अगर हमें परसेंटेज पानी का दिया है तो उसको पहले कन्वर्ट करके पल्प में करना पड़ेगा, तब पल्प की मात्रा भाई कब निकल के आएगी, पल्प की मात्रा कब निकल के आएगी, जब टोटल फ्रूट में पल्प के परसेंटेज का मल्टीप्लाई करें तभी तो पल्प की मात्रा निकल के आएगी। तो पल्प का परसेंटेज भी तो पता होना चाहिए, तो वो पहले 100 में से पानी को अगर घटा दें तो पल्प का परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे यहां पर पहले ये परसेंटेज निकालना है, फिर उसके बाद मात्राओं में उसका मल्टीप्लाई करके बराबर रख देना है, आंसर आ जाएगा। और इसी चीज को आप यहां से फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज से किया है वैसे आप इसी चीज को भाई फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया परसेंटेज से, और परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, सेम चीज है। बस बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी परफेक्ट मान दिए हो परसेंटेज में तब तो आप चाहे प्रतिशत से कर लो चाहे फ्रैक्शन से कर लो, दोनों से क्वेश्चन आपको आसानी होगी। लेकिन जब कभी भी परसेंटेज आपको पॉइंट में दिया हो तो फिर आप परसेंटेज से नहीं, फिर क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, बस ये ध्यान रखना, ये दोनों में अंतर है बस। इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन परसेंटेज दोनों सिखा के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे भाई, तो देखो अब मैं बस क्वेश्चन की अप्रोच बताता हूं आपको, मैंने समझा दिया पीछे, अब आपको मैं इसी क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को ही मैं फ्रैक्शन से बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रैक्शन भी सेम है कुछ नहीं है, तो देखो फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन से ऐसे सॉल्व करेंगे, फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी है भाई, फ्रेश फ्रूट की मात्रा एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फ्रेश फ्रूट की मात्रा 100 किलोग्राम। तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन में पल्प की मात्रा को समान रख सकते हैं, पल्प की मात्रा को समान रख देते हैं, तो 100 किलोग्राम ताजे फल में मैं ये निकाल लूं कि पल्प कितने किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल में पल्प कितने किलोग्राम है, ये पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ताजे फल में पल्प है कितना, तो ताजे फल में 80% पानी है, उसने कहा है कि ताजे फल में 80% पानी है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 4/5, तो ये तो आ जाएगी टोटल वैल्यू, टोटल मात्रा फ्रेश फ्रूट की कितनी है, और ये आ जाएगा उसमें पानी कितना है, तो 5 टोटल मात्रा है उसमें से 4 पानी है, तो अगर आप पल्प निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तरीका तो फ्रैक्शन बनाने का ये है, ये हो जाएगा एक जो है किसका रेशियो हो जाएगा भाई, पल्प का रेशियो हो जाएगा। एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले 80% जो पानी की मात्रा है इसको 100 में से घटा के 20% बना लो, वो पल्प की मात्रा हो जाएगी, और 20% का सीधा 1/5 लिख दो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो 80% जो पानी की मात्रा दी उसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, तो ऊपर आ जाएगा पानी, नीचे आ जाएगी कुल मात्रा, कुल मात्रा में से पानी को घटा देंगे तो ये बन जाएगी पल्प की मात्रा 1/5, और हमें 100 किलोग्राम में पल्प की मात्रा, तो पल्प की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 1/5, तो ये आ गई फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना हो गया बराबर, ड्राई फ्रूट मान लेते हैं x किलोग्राम है, तो इसमें भी पल्प की मात्रा ही निकालेंगे, तो ड्राई फ्रूट में उसने कितना दिया है, ड्राई फ्रूट में उसने
मैंने दिया है कि 20% पानी है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1/5। तो ये तो आ जाएगी टोटल मात्रा ड्राई फ्रूट की, सूखे फल की टोटल मात्रा, और उसमें ये हो जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि ये परसेंट भाई पानी का है तो ऊपर पानी आएगा, ये परसेंट भी पानी का है तो पानी आएगा, और टोटल मात्रा में से पानी घटा दें तो बाकी का कितना आ जाएगा पल्प, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में 4/5 का, तो ये फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 100 किलोग्राम टोटल मात्रा, और 4/5 से डिवाइड करेंगे तो भाई आ जाएगा 25 किलोग्राम। इसका मतलब 100 किलोग्राम ताजे फल से 25 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, 100 किलोग्राम ताजे फल से 25 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि फ्रेश फ्रूट की मात्रा लिखनी है और एक दोनों में से किसी एक की मात्रा नहीं दी होगी उसको अपनी तरफ से मान लेना है, और फिर उसके बाद फ्रेश फ्रूट में पल्प की मात्रा निकालनी है, तो हमेशा पल्प के फ्रैक्शन का या पल्प के परसेंटेज का ही मल्टीप्लाई करना है, पानी का नहीं करना कभी। ऐसे यहाँ पर ड्राई फ्रूट में पल्प के परसेंटेज या परसेंटेज फ्रैक्शन का किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चीजों को बराबर रख दो, उसके बाद वहां से एक जो दी नहीं दी होगी उसकी मात्रा निकल के आ जाएगी, तो एक्स का मान कितना हो गया 25 किलोग्राम। वैसे अगर इस चीज को देखें आप परसेंटेज से कंपेयर करके तो सेम चीज है, जो मैंने आपको पीछे बताया था उसमें क्या किया था मैंने यही तो किया था भाई, 100 kg का 20%, यही चीज तो की थी, तो 20% का बस फ्रैक्शन मान लिख दिया यहाँ 1/5, और कुछ अलग तो किया नहीं है, वही तो कर दिया है। और मैंने फ्रैक्शन से भी आपको बनाना सिखा दिया है कि वाटर के परसेंटेज को पल्प में कैसे बदलेंगे, घटाकर बदलेंगे, ऐसे 5 में से 1 घटाकर 4/5, 5 में से 4 को घटाकर 1/5, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको क्लैरिफिकेशन समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आप देखो पूरी चीज समझ में आएगी बिल्कुल स्पष्ट। ये तो मैंने दो तरीके बता दिए, एक फ्रैक्शन से एक परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व कराने का। पहले क्वेश्चन को भाई बिल्कुल खोल के रख दूंगा मैं शुरू से ही पढ़ाने का तरीका यही रहा है और यही रहेगा। पहले क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल खोल के रख दूंगा, 2-3 तरीके से 4 तरीके से सारी चीजें क्लियर करके रख दूंगा तुम्हारे सामने, जो तुमको अच्छा लगे उस तरीके से आप अप्रोच करें, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन कराऊंगा उनको थोड़ा सा मैं बस एक तरीके से कराते चला जाऊंगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन समझ लेंगे, इसमें क्लैरिफिकेशन समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर में जब ताजे फल से सूखा फल बनाया गया है तो हुआ क्या है। देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें भाई माइंड में, कुछ भी कंफ्यूजन बचेगा नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन पूछने के लिए नहीं बचेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब देखो दो तरह के फल हैं, फ्रेश और ड्राई, दो तरह के फल हैं, फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट की मात्रा उसने हमको दी थी 100 kg, अब देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना 100 kg दी थी। अब 100 kg में ये फ्रेश फ्रूट की मात्रा, अब मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट करके आपको बताता हूं, इसमें दो चीजें होंगी, पानी होगा और इसमें पल्प होगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा इसमें, देखो बिल्कुल खुल जाएगा आपका क्वेश्चन जो है माइंड में खुल जाएगा बिल्कुल। देखो 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में पानी और पल्प दो चीजें होंगी, उसने हमें पानी दिया है तो पानी कितना होगा 80% होगा कि नहीं होगा, उसने दिया है 80% है, तो इसका मतलब अगर मैं 100 का 80% मान निकालूं तो 100 का 80% मान कितना होगा, 80 किलोग्राम आएगा कि नहीं होगा, तो 80 किलोग्राम इस 100 किलोग्राम में पानी होगा, ये बात निकल के आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। फ्रेश फ्रूट में 80% पानी है और फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी है 100 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम मात्रा का अगर मैं 80% निकालूंगा तो 80/100 ऐसे ही तो निकालूंगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा तो 80 किलोग्राम पानी आ जाएगा, तो 100 किलोग्राम फल में 80 किलोग्राम पानी है तो बाकी क्या होगा भाई, तो बाकी होगा पल्प, तो पल्प कितना होगा 100 में से 80 को घटा देंगे 20 किलोग्राम, ये मैं पीछे समझा चुका हूं आपको, तो पल्प 20 किलोग्राम हो गया। अब ड्राई फ्रूट की मात्रा उसने हमसे पूछी है, अब देखो बात को यहां से ध्यान से समझना, ड्राई फ्रूट की मात्रा हमसे पूछी है, न ड्राई फ्रूट में हमें पल्प की मात्रा पता कितनी होगी, न हमें पानी की मात्रा पता और न ड्राई फ्रूट की मात्रा पता, बस पानी का परसेंटेज पता है कि इस ड्राई फ्रूट में पानी जो है वो 20% है, यही तो पता है बस हमें, और कुछ तो नहीं पता भाई, पानी की परसेंटेज ही तो पता है।
अब एक चीज हमें यहां से अपने आप पता लग जाना चाहिए, जब अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो, कि अगर फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो सर ने हमें अभी पीछे बताया है कि भाई पल्प की मात्रा समान रहती है। इसका मतलब जब फ्रेश फ्रूट को सुखाकर ड्राई फ्रूट बनाएंगे तो पानी की मात्रा में ही परिवर्तन आएगा, लेकिन पल्प की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब 20 किलोग्राम की 20 किलोग्राम ही रहेगी, तो ड्राई फ्रूट में भी पल्प की मात्रा 20 किलोग्राम ही रहेगी। बस ये समझने वाली बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब 20 किलोग्राम रहेगी, पानी कितना है इसमें 20%, तो पल्प कितना होगा? तो आप कह देंगे सर 100 में से घटा दो 20% को, तो इसमें पल्प होगा 80%। तो बताइए 80% की मात्रा ये 20 किलोग्राम है कि नहीं है, ये बताओ। तो 80% की मात्रा बराबर होगी भाई 20 kg के, और यहां से 1% अगर हम निकालेंगे तो 20 से 4 बार कट जाएगा, तो 20 × 80 4% का मान आ जाएगा 1 किलोग्राम। और ड्राई फ्रूट की मात्रा के लिए कितने परसेंट का निकालेंगे? ड्राई फ्रूट अपने आप में कितना होगा? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो 25 × 100 हो जाएगा, और जब 25 का यहां करना पड़ेगा तो यहां भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 100% का मान आ गया भाई 25 किलोग्राम के बराबर। यही हो गई ड्राई फ्रूट की मात्रा। तो यही हो गई ड्राई फ्रूट की मात्रा। तो ड्राई फ्रूट की मात्रा कितनी हो जाएगी भैया? ड्राई फ्रूट की मात्रा हो जाएगी 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम पल्प है, तो पानी भी निकाल सकते हैं आप, कितना होगा? 5 किलोग्राम। अब देखिए ये वाली सारी सारा क्वेश्चन पूरी तरह से खुल गया। अब इस क्वेश्चन में आप सारी चीज समझ पा रहे हैं। 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में 80 किलोग्राम पानी था, 20 किलोग्राम पल्प था। जब इसको सुखाया गया तो पल्प तो सेम रहेगा, लेकिन पानी 80 किलोग्राम था, और 80 किलोग्राम से घटकर कितना रह गया? 5 किलोग्राम। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए पानी की मात्रा कितनी चली गई, मतलब कितना पानी सूख गया फल में से, तो कितना पानी सूख गया? 80 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम बचा मात्र, तो कितना सूख गया ये बताएंगे? तो 80 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने किलोग्राम सूख गया? 75 किलोग्राम सूख गया भाई पानी। तो यहां पर टोटल क्या हुआ है कि 100 किलोग्राम ताजा फल था, उसमें से 75 किलोग्राम पानी उड़ गया, तो 25 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बना, जिसमें 20 किलोग्राम पल्प तो सेम रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, 5 किलोग्राम पानी बचा। ये है टोटल इसका, वो कहते हैं ना खोल दिया क्वेश्चन को पूरी तरह से, इस प्रकार से है। और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको पीछे बता दिया। क्वेश्चन एग्जाम में इतना लेंदी नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, आप चाहे कैसे बोलो, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट तरीका है जो पीछे मैंने बताया है, और कॉन्सेप्ट भी है उसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये ध्यान रखो कि ड्राई फ्रूट जब बनाया जाएगा फ्रेश फ्रूट से, तो उसमें पल्प की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दोनों फलों में पल्प की मात्रा को बराबर रख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तुम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन आएगा सेकंड, वो सेम आएगा, उसको आप करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बोर्ड पर आपको सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का दिख गया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं। ताजे फल में 16.66% गूदा है, और सूखे फल में 33.33% पानी है। तो 600 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यह है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ताजे फल में 16.66% जो है गूदा दिया है, सूखे फल में 33.33% पानी दिया है, तो 600 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यह पूछा है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का। अब मैं केवल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको, अब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, एग्जाम की अप्रोच बताऊंगा, एग्जाम कैसे करना है। तो देखो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाया गया है, आपको एग्जाम में ये चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, पहले ही समझ लो क्वेश्चन को। तो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट, तो इन दोनों में से एक की मात्रा दी है, तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा दी है भाई। फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी दी है? तो फ्रेश फ्रूट की मात्रा दी है हमें 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि 600 किलोग्राम में पल्प कितना है ये निकाल के बराबर रख देंगे ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें परसेंटेज किसका दिया है, तो उसमें दिया है पल्प का परसेंट 16.66%। तो ताजे फल में पल्प का परसेंट दिया है भाई 16.66%।
तो बताइए हमें किस परसेंटेज की जरूरत होती है यहाँ पर, पल्प के परसेंटेज की, क्योंकि पल्प की मात्रा को बराबर रखते हैं, तो क्या इसको 100 में से घटाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि पल्प का परसेंटेज दिया है डायरेक्ट, अगर पानी का दिया होता तो 100 में से घटा के लिखते। तो यहाँ पर 66 सही, 16.66% की सीधी सीधी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अरना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पॉइंट में दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर परसेंट फ्रैक्शन में दिया है तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें, अगर परसेंटेज परफेक्ट में दिया है तो आप दोनों में से किसी से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज पॉइंट में दिया है, तो उस केस में आप फ्रैक्शन से ही जाएं। तो यहां पर देखो, अब मैं इसको 1/6 हो गया, तो 16.66%, तो अगर 600 का मैं 1/6 निकालूंगा तो ताजे फल में पल्प की मात्रा हो जाएगी जो बराबर होनी चाहिए ड्राई फ्रूट की मात्रा में, एक्स मान लूं, मल्टीप्लाई ड्राई फ्रूट में पल्प कितना परसेंट है, तो उसने कहा है ड्राई फ्रूट में पानी 33.33% है, तो ड्राई फ्रूट में पानी की मात्रा दी है 33.33%, ये मात्रा किसकी है भाई, ये मात्रा है पानी की, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब मैं 1/3 निकालूंगा तो ऊपर आएगा पानी और नीचे आएगी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू में से पानी को घटाएंगे तब आएगी पल्प की मात्रा, तो पल्प की कितनी आएगी 2, इसका मतलब पल्प कितना हो जाएगा इसमें, 1/3 अगर पानी है तो पल्प हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3, देखो पल्प की मात्रा 2 है कि नहीं, 2/3, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, 6 से कैंसिल करेंगे 100 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आंसर 100 kg, 100 kg की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2x/3। देखो अब इसको कर लेंगे, तो देखो 2 से कैंसिल करेंगे भाई, तो 2 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 50 × 3 = 150 kg। इसका मतलब 600 किलोग्राम ताजे फल से 150 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पानी कितना सूख गया, तो 600 में से 150 को घटा दो भाई, जो कम हुआ है ये फल, जो कम हुआ है 600 किलोग्राम में केवल 150 किलोग्राम सूखा फल क्यों बना है, क्योंकि उसमें से पानी उड़ गया है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो 600 में से 150 को घटाएंगे तो 450 किलोग्राम पानी सूख गया सुखाने पर, और बाकी 150 किलोग्राम सूखा फल बन गया, ठीक है, प्राप्त हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन में अप्रोच क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपको बड़ी आसानी से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम इसी कंसेप्ट पे आधारित कुछ और क्वेश्चन अदर लैंग्वेज में आते हैं उनको देखेंगे। ड्राई फ्रूट और इसमें क्या करना है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पल्प की मात्रा को दोनों केसों में समान रख देना है। जब पल्प का परसेंट दिया हो तो घटाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा रख दें। अगर पानी का परसेंट दिया है तो 100 में से घटाकर पहले पल्प में कन्वर्ट करके तब मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई। देखो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ताजे फल में 14.28% गूदा है तथा सूखे फल में 80% गूदा है, तो 700 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम है, आंसर आ जाना चाहिए आपका। अब तक थर्ड क्वेश्चन जो है, जो मैंने पीछे कराया वही है, कोई भी अंतर नहीं है, आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो मैं क्यों खड़ा हूं, मैं बताऊंगा आपको। देखो नहीं आया, वो इधर देखें बेटा, तीसरे क्वेश्चन को अब डायरेक्ट करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे हम। फ्रेश फ्रूट की सीधी मात्रा लिखो कितने किलोग्राम है, तो उसने कहा है कि 700 किलोग्राम ताजे फल से, तो 700 किलोग्राम हो गई भाई फ्रेश फ्रूट की मात्रा, पहले मात्रा लिख ली, उसके बाद पल्प का परसेंटेज देखो या पल्प का फ्रैक्शन देखो, तो उसने कहा है कि गूदा 14.28% है, उसने सीधा सीधा दिया है 14.28% और क्या दिया है पल्प, तो इसको पल्प का ही दिया है और हमें पल्प का ही चाहिए, तो 100 में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब 14.28 का सीधा फ्रैक्शन 1/7 आ जाएगा यहाँ, और अगर यहाँ पर ये मान के चलो पानी का होता तो 7 में से 1 को घटाकर 6/7 से मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि पहले पानी को पल्प में कन्वर्ट करना पड़ता, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा उसने पल्प ही दिया है, 1/7 बराबर होगा। उसके बाद उसने कहा है सूखे फल में 80% गूदा है, तो सूखे फल की मात्रा एक्स, और उसमें भी 80% क्या दिया है, 80% क्या दिया भाई, 80% पल्प दिया है, तो पल्प दिया है तो परसेंटेज को घटाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसका फ्रैक्शन लिख देंगे 4/5, यही हो जाएगा। तो यहां से करेंगे तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 कट जाएगा कितने बार, 25 बार,
तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 किलोग्राम। इसका मतलब 700 किलोग्राम ताजे फल से 125 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है इस ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ 14.28 दिया था, इसका फ्रैक्शन 1/7 बनना है, आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 का। यहाँ पर 80% दिया था, इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 का। जो समझने वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है, चीजों को रटने लगते हैं। रटने का मतलब कि सर ने परसेंटेज का लिखा और यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे रटते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये मल्टीप्लाई सर ने क्यों किया है, क्यों का आंसर नहीं ले पाते हैं। तो बेटा इस चीज को समझें आप, उस क्यों का आंसर आपको लेना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने जो क्वेश्चन कराए उनको रटते रह जाएंगे, अगर एग्जाम में थोड़ी सी भी भाषा चेंज हो गई तुरंत फंस जाओगे। तो इसलिए उस क्यों का आंसर समझना जरूरी है। तो मैं देखो यहां पर सीधा परसेंटेज के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि यहां पर हमें पल्प का ही परसेंटेज दिया है सीधा सीधा, तो उसे परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं। मान के चलो हमें कोई चीज रुपए में चाहिए और रुपए में दिया है, तो उसे हम पैसे में क्यों कन्वर्ट करेंगे, बताओ क्यों कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें कोई चीज मान के चलो पैसे में दी है और हमें पैसे में ही चाहिए, तो रुपयों में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। अगर हमें कोई चीज मिनट में चाहिए और मिनट में ही हमें मिल रही है, तो हम क्यों उसको घंटे में बनाएंगे। तो इसका मतलब यही है बेटा, मैं यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर सीधा जो है पल्प का परसेंटेज ही दिया है और मुझे पल्प का ही चाहिए, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा पल्प के फ्रैक्शन से और पल्प के परसेंटेज के मल्टीप्लाई करके आंसर कर लेंगे। और पीछे वाले जो क्वेश्चन से उन्हें सबसे पहले क्वेश्चन में पानी का दिया था, तो पानी को पल्प में बदलना पड़ेगा क्योंकि पानी पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पानी की मात्रा बदलती है, पल्प कर कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि पल्प की मात्रा बदलती नहीं है इस वजह से। ठीक है बेटा, अब सारी चीजें क्लियर होंगी, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है चलें नेक्स्ट। चलो तो आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा बोर्ड पे आपको दिख गया होगा आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, अभी मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, क्वेश्चन के नीचे आ जाता हूं, टेंशन मत लिया करो, मैं अपने आप हट जाऊंगा, क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। देखो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो बेटा बता दिया करो कमेंट में, मैं फिर से कुछ ना कुछ करूंगा, तिकड़म भिड़ाऊंगा। और पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो बता दिया करो, साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो बता दिया करो, कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा के सही करेंगे उसको। तुमको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट देने के लिए तो खड़े हैं भाई यहाँ पर, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश में कह रहा है भाई ये कि एक 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ये जो है मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम है लेकिन करने का तरीका जो है वो सेम है। ठीक है साउंड प्रॉपर आ रही होगी। देखो एक 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी 10% है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि विलयन में पानी 20% हो जाए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कुछ परसेंटेज में भी पूछ लिए जाते हैं, वैसे उन क्वेश्चनों को हम दोबारा से मिक्सर एलिगेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसमें समझ लेते हैं तो वहां पर समझ में जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मिक्सर के परसेंटेज में आते हैं उनको मैं यहाँ करा दूंगा, आपको दोबारा से मिक्सर में करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। उसने कहा है कि एक 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी 10% है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि विलयन में पानी 20% हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। देखो फोर्थ ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए कि किसी मिश्रण में कोई परसेंटेज दिया है दूध और पानी का मिश्रण है, तो भाई देखो सीधी सी बात है कि कोई दूध और पानी का मिश्रण है तो उसमें जितना लीटर दूध होगा तो उसके बाद जो भी होगा बचा हुआ सब पानी होगा। ऐसे ही मान के चलो चीनी और पानी का मिश्रण है तो उसमें अगर मान के चलो चीनी है कुछ तो उसके अलावा जो बचेगा वो पूरा पानी होगा, यही चीज होगी कि नहीं होगी। मिक्सचर को बिल्कुल डिटेल में गहराई में घुस के देखेंगे बेटा एलिगेशन टॉपिक में, अभी हम ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे, केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ डाला क्यों है, क्योंकि ये उसी कंसेप्ट से होगा जिस कंसेप्ट से हम पीछे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, फ्रूट से रिलेटेड ताजे फल और सूखे फल। बाकी बिल्कुल अंदर घुस के देखेंगे मिक्सचर में इन क्वेश्चनों को, मिक्सचर से रिलेटेड। तो बस इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो इसमें कहा 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20%, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि पानी और दूध के मिश्रण में या तो दूध मिलाएगा या पानी मिलाएगा, कोई चीज मिलाई जाती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने घर के हिसाब से समझिए, जैसे दूध और पानी से समझिए, दूध और पानी से समझिए बिल्कुल। तो दूध और पानी का मान के चलो कोई मिश्रण है,
ठीक है, कोई भी मिक्सचर है उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे तो बताइए क्या होगा। पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी पानी मिला रहे हैं तो? क्या दूध की मात्रा में कोई भी परिवर्तन आएगा? दूध की मात्रा में प्यारे विद्यार्थियों कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आप ये जो है जैसे मान के चलो 5 लीटर दूध है उसमें आपने पानी मिलाया, 5 लीटर दूध है 10 लीटर जो पानी है, अब उसमें आप पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा में तो परिवर्तन आएगा, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा। मैं बोर्ड पे समझाता हूँ और चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा लैंग्वेज से कम समझ में आता है विद्यार्थियों के। देखो मान के चलो मैंने मान लिया, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फिर क्वेश्चन बताऊंगा। देखो जैसे कोई मिश्रण है दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का कोई मिश्रण है, ठीक है, पहले मैं आपको रेशियो में परसेंटेज में नहीं समझाऊंगा, पहले मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल देके समझाऊंगा, बहुत आसान एग्जांपल। तो मान के चलो दूध और पानी का कोई मिश्रण है, तो इसमें मान के चलो 10 लीटर दूध है, ये मैं मान रहा हूं 10 लीटर दूध है, और इस 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी है, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं ये कोई मिश्रण है। अब उसके बाद उसने कहा कि इसमें पानी मिलाया गया, मान के चलो उसने कहा कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, क्वेश्चन में उसने कह दिया कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, तो आज 4 लीटर पानी मिलाने के बाद मिल्क रेशियो, मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, पहले 2 लीटर पानी था, तो पानी की मात्रा हो जाएगी सर 6 लीटर, आप यही तो कहेंगे। और मैं कहूंगा बताइए दूध की मात्रा, तो आप कहेंगे सर दूध तो 10 लीटर था पहले, वो तो मिलाया नहीं गया, तो 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये आप बेसिक सी चीजें ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बिलियन है, पहले इतना है 12 लीटर है, उसमें 4 लीटर, उसमें 4 लीटर पानी मिलाया, तो उसके बाद बिलियन कितना बन जाएगा? 16 लीटर का बन जाएगा, बिलियन 16 लीटर का बन जाएगा, और पहले कितना था बिलियन? 12 लीटर का था। तो आप इसमें पानी मिला रहे हैं, तो देखो पानी की मात्रा, पानी की मात्रा देखो, बस इस पर फोकस करो कि आप पानी मिला रहे हैं, तो 2 लीटर जो पानी था वो बढ़कर कितना हो गया? 4 लीटर मिलाने पर 6 लीटर। उसके बाद आप इस चीज को देखो, क्या दूध की मात्रा में परिवर्तन आया? नहीं आया भाई, दूध पहले भी 10 लीटर था विलयन में, और देखो इस वाले में भी 10 लीटर है, दोनों में 10 लीटर है कि नहीं? इसका मतलब यहां से आपको एक भी बात समझनी है कि जो चीज मिक्सचर में मिला रहे हैं उसकी मात्रा में तो परिवर्तन आएगा, और जो चीज नहीं मिला रहे उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहां पर पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन दूध की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन परसेंटेज दोनों का बदलेगा, परसेंटेज बेटा दोनों का बदलेगा, ये समझने वाली बात है बस। ऐसे ही पीछे फल में, फ्रूट में आपने देखा होगा पल्प की मात्रा समान रहती थी, लेकिन अगर आप पल्प का परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों फलों में अलग अलग आएगा। जैसे तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा हो उसमें पल्प 14.28 और 80%, आप कहें कि सर आपने तो कहा था कि पल्प बराबर रहता है दोनों में, लेकिन यहां तो अलग हो रहा है। तो परसेंटेज तो बदलता है लेकिन मात्रा नहीं बदलती। अब परसेंटेज क्यों बदलता है, ये है पॉइंट वाली बात, ये समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो परसेंटेज क्यों बदलता है। देखो यहां पर अगर मैं दूध का परसेंटेज निकालूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो दूध कितना है 10 लीटर, तो मैं कितने पर निकालूंगा? 12 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो यहां पर ये परसेंटेज आएगा, ठीक है, समझना बात को, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ जाएगा। और यहां पर आपसे पूछा जाए, यहां पर मैंने क्या निकाला है बेटा? मिल्क का परसेंटेज निकाला है, और मिल्क परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मिल्क कितना है वो ऊपर, और टोटल मात्रा कितनी है नीचे, और मल्टीप्लाई 100। ऐसी इसमें अगर आप मिल्क का परसेंटेज निकालेंगे तो मिल्क का परसेंटेज के लिए मिल्क कितना है 10 लीटर वो ऊपर, टोटल मात्रा कितनी है 16 वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर देखो इसमें भी दूध 10 लीटर है और इसमें भी दूध 10 लीटर है, दोनों में समान है, लेकिन परसेंटेज समान नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि परसेंटेज कुल विलयन की मात्रा पे निकालते हैं। तो यहां पर जब हम निकालेंगे तब तो कुल विलयन की मात्रा 12 है, तो 12 पर निकालेंगे, और जब यहां पर निकालेंगे तो कुल विलयन की मात्रा 16 हो गई, इस वजह से यहां पर 16 पर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन दूध की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं है, 10 ही 10 है, लेकिन ये परिवर्तन होने की वजह से, विलयन की मात्रा परिवर्तित होने की वजह से परसेंटेज में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, जैसे आप एक और एग्जांपल ले लें, दूध में आपने चीनी मिलाई, ठीक है, उसके बाद अगर उसमें आप चीनी और ऐड करते जाएं तो दूध ज्यादा मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ज्यादा मीठा होने का मतलब उसमें चीनी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, दूध की मात्रा कम होती चली जाएगी। ऐसे मान के चलो दूध मिलाएं तो दूध फीका होता चला जाएगा, इसका मतलब उसमें दूध की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और चीनी की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो परसेंटेज तो फिक्स रहता है 100%, कोई भी विलयन अपने आप में 100% ही रहता है। अब उसमें आप एक बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम होने पड़ेगा, तभी तो वो 100 रहेगा। ऐसे एक कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा, तभी वो 100 रहेगा। तो ये वाली बात है, तो परसेंटेज में तो परिवर्तन आ जाता है
बेटा, लेकिन मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। तो यहां से क्या कंसेप्ट समझ में आया, यहां से ये कंसेप्ट समझ में आया कि जब दो मिश्रण, दो विलयनों से कोई मिश्रण बना है तो उस मिश्रण में अगर एक को मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा में परिवर्तन आएगा, लेकिन नहीं मिला रहे उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो दोनों विलयनों में समान रहेगा। तो कैलकुलेशन किस पे करेंगे, जो न मिला रहे हैं उस पर, क्योंकि उसकी मात्रा समान रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से उस पर कैलकुलेशन करेंगे, बस ये समझने वाले पॉइंट था इसमें। अब ये क्वेश्चन वही हो गया फ्रूट वाला, फ्रूट में कैलकुलेशन भी हम पल्प पे कर रहे थे क्योंकि उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता था, और यहां पर कैलकुलेट करेंगे उसकी मात्रा पर जो मिलाया नहीं गया है क्योंकि उसकी मात्रा दोनों विलयनों में समान रहेगी। तो चौथा क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूं, अब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन का भाई सॉल्यूशन देखेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें भाई। मिश्रण में 80 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है, तो सबसे पहले मिश्रण की मात्रा लिखेंगे भाई। तो मिश्रण की मात्रा 80 लीटर, सॉल्यूशन सीधा बता रहा हूं मैं कैसे करना है, 80 लीटर मल्टीप्लाई, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 10% है, इसका मतलब हमें इसमें पानी दिया है भाई, और पानी कितना दिया है, पानी कितना दिया है 10%। देखो बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, पहले वाले मिश्रण में पानी दिया है 10%, उसके बाद उसने कहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसका मतलब भाई मिला क्या रहे हैं, मिला क्या रहे हैं, और ये देखो पहला मिश्रण है और दूसरा मिश्रण है, तो इसमें मिला क्या रहे हैं, उसने कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी पहले 10% था, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, इसका मतलब बाद वाले मिश्रण में मिलाने के बाद भी पानी का ही परसेंट दिया तो कितना हो गया 20%। तो भाई पानी मिला रहे हैं तो पानी का परसेंट ऑब्वियस है बढ़ेगा, पानी का परसेंट ऑब्वियस है बढ़ेगा। तो प्रारंभिक विलयन में पानी 10% था, अब विलयन में पानी 20% है, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन आएगा। और मैंने आपको बताया कि जो चीज मिलाते हैं उसकी मात्रा में परिवर्तन आता है, लेकिन दूसरे की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो यहां पर कैलकुलेशन पानी पर करेंगे कि दूध पर करेंगे, आप ये बताइए। मतलब दोनों विलयनों में दूध की मात्रा समान रहेगी कि पानी की, तो आप कहेंगे सर पानी मिला रहे हैं, पानी की मात्रा समान नहीं रहेगी, दूध की समान रहेगी। इसका मतलब पहले वाले विलयन में कितना लीटर दूध है ये निकाल लें तो वो मात्रा बराबर होगी, दूसरे वाले विलयन में दूध कितना है इसके, बस समझ में आ गया। तो बस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो यहां पर पानी 10% है तो दूध कितना हो जाएगा भाई 90%, तो 80 लीटर का 90% मान बराबर होना चाहिए, 80 लीटर का 90% मान बराबर होना चाहिए दूसरे वाले विलयन जो इसमें मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद मैंने मान लिया कि विलयन जो है वो x लीटर हो गया, तो x में पानी 20% है तो दूध कितना होगा, तो 80 100 में से घटाकर लिखेंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो यहां पर पानी का परसेंटेज दिया था, इसको हमने कन्वर्ट किया दूध में कैसे, 100% में से 10 को घटाकर 90% और 100% में से 20 को घटाकर 80%, और कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और हमें उसका परसेंटेज लेना है जो नहीं मिला रहे हैं, जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में हम पल्प ले रहे थे क्योंकि पल्प की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो एक्स का मान बराबर आ जाएगा 80 × 9/8 आ जाएगा नीचे, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 90 लीटर, तो 90 लीटर आ गया हमारा। तो इसका मतलब जो विलयन पहले 80 लीटर था, जो विलयन पहले 80 लीटर था वो पानी मिलाने के बाद 90 लीटर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया, अभी मैं आपको पल्प वाले क्वेश्चनों में बता रहा था कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कितना पानी चला गया, तो जैसे यहां पर पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब 90 लीटर, पहला विलयन जो 80 लीटर था प्रारंभिक मात्रा वो बढ़कर 90 लीटर होगी, तो कितना पानी मिलाया गया, तो आप कहेंगे सर 10 लीटर पानी मिलाया गया, यही हमारा आंसर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 10 लीटर आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो इसने पूछा है कि बताइए कितना पानी मिलाया जाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 लीटर, 10 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लीटर आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता कि बताइए नए मिलियन की मात्रा कितनी है, नए मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो आप कह देते सर आंसर 90 लीटर हो जाएगा, लेकिन यहां पर उसने ये पूछा है कितना पानी मिलाया गया, तो आप करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको पानी का परसेंटेज दिया था, तो उसको पहले मिल्क में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, वो पानी मिलाने की बात कर रहा है। उसके अलावा इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई,
बस कुछ नहीं है, जो परसेंटेज में लिखा है वही चीज फ्रैक्शन में लिख देंगे तो फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से बता देता हूं जो परसेंटेज से बताया आपको। तो हमें दिया है 10% पानी, ठीक है, तो 10% पानी दिया है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो नीचे तो आ जाएगा टोटल वैल्यू और ऊपर आ जाएगी ये परसेंटेज किसका है, पानी का, तो पानी आ जाएगा। हमें निकालना है दूध, तो 10 में से 1 को घटाकर दूध कितना हो जाएगा, 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे दूध के फ्रैक्शन का 9/10 का। ऐसे यहां पर 20% पानी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये भी पानी है तो इसको दूध में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 में से 1 को घटाकर ये बनेगा 4/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 4/5 से, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैंसिल कर लो, तो देखो 5 से ये कट जाएगा कितने बार कट जाएगा, 2 बार, 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो 10 × 9, तो x का मान कितना आ गया देखो 90 लीटर। इसका मतलब पहले जो बिलियन 80 लीटर था वो बढ़कर 90 लीटर हो गया, तो कितना पानी मिला गया, तो आप कहेंगे सर 10 लीटर आंसर हो गया, तो 10 लीटर क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो बिलियन नहीं मिला रहे हैं उसकी मात्रा को दोनों बिलियनों में समान रख देना है, ठीक है। इसी आधार पर एक और क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 5th क्वेश्चन देखेंगे और पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बैठेंगे नहीं, आराम से वीडियो को जब देखा करें कॉपी पेन लेके बिल्कुल रेडी बैठा करो, रेडी। देखो 5वां क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है 100 लीटर ग्लिसरीन में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट 5% रह जाए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा फास्ट, अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आने लग गए होंगे, अब फास्ट चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में आपको मात्रा दी होगी बिलियन की, कितनी दी है 100 लीटर, 100 लीटर बिलियन है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन, सबसे पहले जो मात्रा दिया उसको लिख लेना है 100 लीटर, उसके बाद उसने कहा है 100 लीटर बिलियन में 20% मिलावट है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ के बस ये देखना है कि इसमें मिला क्या रहे हैं। उसने कहा है कि इसमें शुद्ध सैंपल मिला रहे हैं, तो इसका मतलब शुद्ध ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में मिलावट होगी। जैसे मान के चलो पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर डीजल मिला दिया जाए तो डीजल को क्या कहेंगे, मिलावट। ऐसे मान के चलो डीजल है, डीजल में मिट्टी का तेल मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, मिलावट। ऐसे दूध है, दूध में पानी मिलाया जाए तो पानी को क्या कहेंगे, मिलावट। तो यहां मिलावट से मतलब है कि ग्लिसरीन में कोई ऐसी चीज मिलाई जा रही है जो अशुद्धि है, बस ये है। तो यहां पर उसने कहा है कि 20% मिलावट है, तो इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल मिलाया जाए, तो मिला क्या रहे हैं ये देखना है। तो क्या मिला रहे हैं, शुद्ध ग्लिसरीन। इसका मतलब अगर ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो मिलावट की मात्रा समान रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, मिलावट की मात्रा समान रहनी चाहिए। तो जो मिला रहे हैं उस पर कैलकुलेशन नहीं करनी, जो नहीं मिला रहे उस पर कैलकुलेशन करनी है, तो मिलावट पर कैलकुलेशन करेंगे। तो मिलावट कितनी है, 20%, तो 100 लीटर में है भाई 20%। उसके बाद मान लो कि मिलाने के बाद, ग्लिसरीन मिलाने के बाद एक्स लीटर हो गया, और इसमें मिलावट कितनी है, तो इसमें मिलावट उसने कहा है 5% रह जाती है, तो ये 5% वैल्यू के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 100 लीटर का 20% मान एक्स लीटर के 5% के बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर जो 100 लीटर है ये तो बिलियन की प्रारंभिक मात्रा है, ये तो बिलियन की, ये तो मिक्सर की भाई इनिशियल मात्रा है, मिक्सर की इनिशियल मात्रा, और ये जो है ये मिक्सर की नई मात्रा है। तो प्रारंभ में मिक्सचर में मिलावट कितने लीटर है ये निकालेंगे, तो 100 का 20% निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मिलावट 20% है, और बाद में कितना है, तो x का 5% निकालेंगे, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, कैंसिल कर लो बस भाई। तो कैंसिल करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 400 लीटर। इसका मतलब पहले जो बिलियन 100 लीटर था, पहले जो बिलियन 100 लीटर था वो 400 लीटर हो जाएगा। तो कितने लीटर मिलाया गया शुद्ध ग्लिसरीन इसमें, तो आप आंसर करेंगे 400 लीटर माइनस 100 लीटर, तो इसका मतलब शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया गया कितना, 300 लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, पहले बिलियन की मात्रा में जो चीज नहीं मिलाई गई है वो कितने परसेंट है उसका मल्टीप्लाई बराबर रखना है, बाद वाले विलयन को अपनी तरफ से मान लेना है, और उसमें वो चीज कितनी है जो नहीं मिलाई गई है उसके परसेंटेज के बराबर रखना है। फ्रैक्शन से करेंगे तो फ्रैक्शन से कर लेंगे, लेकिन परसेंटेज परफेक्ट में दिया है तो फ्रैक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करते तो कैसे करते, देखो मैं साइड में शॉर्ट में कर देता हूं बस, 100 लीटर में 20% मिलावट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 बराबर एक्स में
5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 5 से 4 बार कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 400, तो कितना मिला गया 400 में से 100 को घटाएंगे तो 300। एग्जाम की स्पीड ये होनी चाहिए, एग्जाम में ये नहीं लिखना लीटर वीटर कुछ नहीं, सीधा नंबर चलेंगे 100 का 1/5 बराबर x का 1/20 आंसर आ गया 400 हो गया 400, पहले जो बिलियन 100 था वो 400 हो गया तो कितना मिलाया गया 300 आंसर हो गया, तो बस 300 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है। अब देखो भाई आज की क्लास का लास्ट फाइनल क्वेश्चन, तो आज की क्लास का मिक्सर हम बस यहाँ पर ये एक ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मिक्सर का, बाकी मिक्सर को डिटेल में हम मिक्सर एलिगेशन टॉपिक में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखेंगे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, मैं भूल गया सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा भाई, अपना दिमाग भी आपको चलाना पड़ेगा। देखो 6th क्वेश्चन में क्या कहा है, 75 किलोग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है तो मिश्रण में कितनी चीनी मिलाई जाए कि चीनी बढ़कर 70% हो जाए। तो पहले तो ये देखो परसेंटेज किसका दिया है, तो परसेंटेज पहले वाले मिश्रण में चीनी का दिया है और चीनी का परसेंट कितना दिया है उसने 30%, फिर उसके बाद उसने कहा कितनी चीनी मिलाया जाए कि चीनी 70% हो जाए, तो बाद में भी क्या दिया है चीनी का परसेंट, और मिला क्या रहे हैं चीनी, चीनी ही मिला रहे हैं और चीनी का ही परसेंट दिया है, तो इसका मतलब हमें चीनी का नहीं कैलकुलेशन किस पे करनी पड़ेगी, जो चीनी के अलावा उसमें दूसरी चीज है उस पे। और दूसरी चीज कैसे निकालेंगे, 100 में से घटाकर निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों से मैं बता देता हूं आपको। तो देखो सॉल्यूशन देखो, विलयन की मात्रा पहले कितनी है 75 किलोग्राम, विलयन की मात्रा 75 ग्राम है, पहले कितनी है 75 ग्राम, 75 ग्राम में चीनी कितनी है 30%, लेकिन चीनी ही मिला रहे हैं तो हमें 30% नहीं लेना, दूसरे वाला विलयन लेना है, तो 100 में से 30 को घटाकर कितना हो गया 70% मान बराबर होना चाहिए x के मल्टीप्लाई, चीनी मिला रहे हैं चीनी का ही परसेंटेज दिया है तो इसको बदलना पड़ेगा, तो 100 में से 70 को घटाएंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा 30% के। ये बदलना क्यों पड़ रहा है, 100 में से घटाकर 100 में से क्यों घटाना पड़ रहा है, क्योंकि चीनी ही मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा में परिवर्तन आएगा लेकिन दूसरे विलयन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और कैलकुलेशन किस पर करते हैं जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता उस पर। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई 7 तो x का मान हो जाएगा 7 × 35 = 5 × 3 × 7 × 2 = 14 × 3 = 17, 175 ग्राम। इसका मतलब पहले जो बिलियन 75 ग्राम था वो 175 ग्राम हो गया, तो कितना मिलाया गया, तो 175 में से माइनस कर देंगे 75 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 100 ग्राम। इसका मतलब कितनी इसमें चीनी मिलाई गई 100 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम चीनी मिला देंगे तो ये 30% और 70% हो जाएगी। इसको थोड़ा खोल के बता दूं भाई, क्लेरिफिकेशन बता दूं इस क्वेश्चन का। चलो आप बोल तो नहीं पा रहे हो, मैं खुद समझ लेता हूं तुम्हारी फीलिंग और आपको बता देता हूं इसका क्लेरिफिकेशन। देखो इसका क्लेरिफिकेशन बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का, अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझेंगे सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसका क्लेरिफिकेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो भाई क्लेरिफिकेशन समझेंगे, अब मैं आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर करके बताता हूँ। क्या दिया उसने, पहले जो था विलयन वो कितना था 75 ग्राम, ठीक है ध्यान से समझना बात को, और बाद वाला मात्रा हमें निकालनी है उसको मान लेते हैं हम एक्स ग्राम, ठीक है। अब इसमें चीनी है और एक दूसरा विलयन है, तो मैं दूसरे विलयन को मान के चलो दूध मान लेता हूँ, मिल्क है और शुगर है एस, ऐसे यहाँ पर भी दोनों चीज़ें होंगी, शुगर होगी और मिल्क होगा, देखना ध्यान से समझना बात को भाई, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। अब उसने हमें क्या दिया है, उसने कहा है कि इस 75 ग्राम में 30% चीनी है, इसमें इस 75 ग्राम में 30% चीनी है, तो शुगर अगर इसमें 30% होगी तो इसमें ये जो दूध है ये कितना होगा 70% होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए ऐसे। उसके बाद उसने कहा है कि बाद में चीनी की मात्रा 70% हो जाए, तो यहां पर हमें ये 70% दिया है, तो आप बता सकते हैं कि सर जो दूध है उसकी मात्रा यहां पर कितनी होगी 30% होगी, ठीक है। अब उसके बाद मिला क्या रहे हैं, तो उसने कहा है कि इसमें हम मिला रहे हैं चीनी, शुगर मिला रहे हैं, तो इसका मतलब चीनी की मात्रा में तो परिवर्तन आएगा, चीनी की मात्रा में तो परिवर्तन आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चीनी जो 30% है
और यहाँ पर जो 70% है, अगर मैं इस दोनों चीजों को बराबर रखूंगा तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर चीनी मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा का परसेंट 30-70 नहीं लेंगे सीधा सीधा, वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि चीनी मिला रहे हैं तो इसकी मात्रा में तो परिवर्तन आएगा लेकिन दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम दूध का परसेंटेज लेंगे भाई, इसलिए हम दूध का परसेंटेज लेंगे। इसलिए हमने 75 का 70% मान और एक्स के 30% मान के बराबर रखा था अभी ऊपर। और चाहे तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कैसे, 75 ग्राम का 70% कितना हो जाएगा 7/10, ये वैल्यू बराबर होगी x का 30% मान कितना हो जाएगा 3/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे कितने बार कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो x का मान कितना हो जाएगा 7 × 35 = 5 = 3 = 175 ग्राम, देखो आ गया। तो प्रारंभ में जो विलियम 75 ग्राम था तो वो 175 ग्राम हो जाएगा, तो इसमें कितने ग्राम मिलाया गया 100 ग्राम मिलाया गया, बस ये आंसर हो गया। ये देखो क्लैरिफिकेशन आपके सामने, ये वाली चीजें इसलिए इसको 100 में से घटाते हैं। आप चाहें तो फ्रैक्शन घटा के ऐसे बना सकते हैं, जैसे 30% चीनी का दिया था उसने, तो 30% चीनी का फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/10, अगर मैं 10 में से 3 को घटाकर इसको लिख दूं 7/10, तो ये दूसरे वाले मतलब मिल्क का फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 70% है तो 70% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 70 फ्रैक्शन बनेगा 7/10, अगर मैं इसको घटा दूं 10 में से 7 3/10 कर दूं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा आपका दूध का। तो हमें उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जिसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया या जो चीज मिलाई नहीं गई है वो, और जो मिलाई गई है उस पर कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। तो आज के टाइम में हमने क्वेश्चन देखे सूखे फल से ड्राई फ्रूट बनाने वाले और कुछ मिक्सचर से रिलेटेड, इनमें सभी में एक ही कंसेप्ट था कि जिस चीज की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा उन मात्राओं को हमें बराबर रखे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके अलावा मैंने क्लैरिफिकेशन आपको बिल्कुल समझा दिए, बिल्कुल आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। अगर स्पष्ट नहीं हुई है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन करें, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट जो है क्लियर कराया जाएगा। तो बेटा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान है और ये ज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए, और अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने भी लोग इस चीज से एजुकेटेड हो पाएंगे और सिलेक्शन हो पाएगा इतनी ही ज्यादा खुशी मुझे होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और तुम्हारी वजह से किसी का सिलेक्शन होगा तो थोड़ी सी खुशी आपको भी होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, विदा चाहता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।